नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक और विवाद सामने आ गया है, और ये विवाद सामने लाने वाली है कंगना रनौत। जी हां, कंगना रनौत ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल कंगना रनौत की फिल्म क्वीन के डायरेक्टर विकास बहल के खिलाफ एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म बॉम्बे वेलवेट के प्रमोशनल टूर के दौरान विकास ने उनके साथ छेड़छाड़ की। अब इस मामले पर कंगना ने पीड़ित महिला को सपोर्ट किया है। कंगना ने अपने स्टेटमेंट में लिखा, मैं इस पीड़ित पर पूरी तरह भरोसा करती हूँ। विकास ने साल 2014 में शादी की थी। वहीं जब हम क्वीन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त भी विकास शादीशुदा थे। इसके बावजूद रोजाना वो नए पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाने का जिक्र करते थे। कंगना ने आगे लिखा है कि मैं लोगों को जज नहीं करती, ना ही उनकी शादी को जज करती हूँ, लेकिन जब एक आदत बीमारी बन जाए तो आप इस तरह की बात कह सकते हैं। विकास की पोल खोलते हुए कंगना ने लिखा, विकास हर रात पार्टी करते थे, मुझे इन पार्टियों में शामिल न होने के लिए शर्मिंदा करते थे। कंगना ने विकास के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए लिखा, विकास जब भी कहीं मिलते थे तो वो अजीब तरीके से मुझे गले लगाते, मेरे बालों को सूंघते और कहते उन्हें इस खुशबू से प्यार है। मुझे उनकी हरकतों से लगता कि उनके साथ कुछ तो गड़बड़ है। कंगना कहती है कि विकास इन दिनों मेरे पास हरियाणा की गोल्ड मेडलिस्ट पर बन रही फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर आए थे, लेकिन जब मैंने इस पीड़ित को सपोर्ट किया तो उसके बाद विकास ने मुझसे बात करनी बंद कर दी। जी हाँ, कंगना रनौत ने विकास बहल को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद पूरी इंडस्ट्री सकते में है, क्योंकि एक के बाद एक कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।